सिवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की जब से निधन हुआ है तब से बिहार की राजनीति में हलचल सी मच गई है। चाहे वो हिना साहब की तबीयत खराब होने का मामला हो या फिर ओसामा साहब से लगातार बड़े बड़े वीआईपी नेताओं का मिलने का मामला हो, तमाम लोग आ रहे हैं, हालचाल जान रहे हैं और कई तरह के लोग कयास भी लगा रहे हैं कि क्या मोहम्मद शहाबुद्दीन का जो परिवार है उनकी पत्नी हिना साहब आरजेडी में बनी रहेंगी या फिर कुछ नया होगा। और इन तमाम पहलुओं पे चर्चा भी हो रही है। कहा जा रहा है कि बिहार में इन लोगों का दौरा होगा और उस वक्त बिहार की सियासत जो है उसमें काफ़ी बदलाव होगी और कुछ सियासत ऐसी होगी कि लोग बड़े बड़े नेताओं के होश भी उड़ जाएंगे। और इन तमाम बिंदुओं पर हम बात करेंगे। कोनैन जी यहाँ पे मौजूद हैं हमारे साथ। हालांकि कोनैन जी आपको बता दें कि जब 40वां था मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का प्रतापपुर भी ये पहुँचे हुए थे, इनसे हमारी बातचीत भी हुई थी। कोनैन जी, सवाल यह है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन का निधन हो गया, बहुत उन्हें कहा जाता था कि बहुत चर्चित व्यक्ति थे, लेकिन उनके निधन के बाद से जिस तरीके से देखा गया कि तमाम लोगों का आना जाना, बड़े बड़े नेताओं का आना जाना, इसे आप क्या मान रहे हैं अपने नज़रिए से? देखिए, वो एक बड़ी हस्ती थे, ये सच्चाई है। वो पहचान के मोहताज तो थे नहीं। उनके निधन के बाद लोगों को लगा कि अब जो है क्या होगा जी, क्योंकि वो जेल में थे, लेकिन लोगों को एक उम्मीद थी कि आज नहीं कल वो आएंगे वापस, आएंगे तो फिर हम लोगों की राजनीति फिर से राजनीति होगी, तो एक उम्मीद जो लगी थी कहीं ना कहीं वो उम्मीद का किरण तो डूब गया। फिर उसके बाद उनके परिवार के लोग हैं, खास करके हिना साहब, वो तीन तीन बार लड़ाई दी हैं और कारण जो भी रहा हो लेकिन हार गई। लेकिन अब लोगों को ये लग रहा है कि ये परिवार अगर बिहार में 38 ज़िले में अगर घूम जाएगा तो इसका बहुत बड़ा असर तो पड़ेगा। असर पड़ेगा तो असर अगर पड़ेगा तो किस तरह का असर पड़ सकता है? असर इस तरह का पड़ेगा कि अगर ये मान लिया कि किसी पार्टी के साथ चली गई छोड़ के, तो एक जो वोट बैंक कहलाता है, कहीं ना कहीं शहाबुद्दीन साहब को मुस्लिम जो था वो तो नेता मानता था, और उनके साथ जो घटना हुआ ना उससे कहीं ना कहीं ये समुदाय दुखी है, ये सच्चाई है। कोनैन जी, आपको क्या लग रहा है जिससे कि बड़े बड़े जो लीडर आए चाहे किसी भी दल के, वो देखा गया कि जेडीयू के भी कई लीडर, अभी हाल ही में आपको बताते चले कि हिना साहब की तबीयत खराब थी, हालांकि अब तो वो सिवान आ चुके हैं, और वहाँ पे देखा गया कि चिराग पासवान, तेजस्वी यादव भी पहुँचे, हालांकि तेजस्वी यादव सिवान नहीं पहुँचे अभी तक, समर्थकों में मायूसी देखी गई। तो इसको क्या मान रहे हैं कि चिराग पासवान फिर तेजस्वी यादव, ये तमाम लोग वहाँ पे पहुँचे हुए थे? देखिए, अभी वहाँ पे एक मौका मिला तेजस्वी यादव को भी जाने का, इसलिए कि पटना के अंदर की बात थी, हॉस्पिटल में थी, वहाँ पे इस चीज़ का डर नहीं था कि कहीं आने के बाद कोई काला झंडा देख ला दे, कहीं प्याव भगत में कमी ना हो जाए, इस चीज़ का भी डर था राजद को, जिसके वजह से वो लोग यहाँ आए नहीं। और वहाँ एक मौका मिला, किसी को मालूम तो था नहीं, वहाँ पे आसानी से आए, मिले जुले और चले गए। रहा सवाल चिराग पासवान, चिराग पासवान तो ऐसे भी समझिए कि उनका जो है बेड़ा गर्क बीजेपी ने कर दिया है, वो करेंगे क्या? जब वक्त था उनको मिलने का लोगों से, तो वो तो कहीं ना कहीं वो गुम हो चुके थे, अब तो उनके पास कोई ठिकाना नहीं है फिलहाल, तो अब वो मिलने आए ना आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। रहा सवाल दूसरे लीडर की बात कीजिए, तो इसलिए मिलना चाह रहे हैं कि हर आदमी चाहता है कि हिना साहब का समर्थन हमारे तरफ हो जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा वोट परसेंटेज है बिहार में, लोगों को वो दिखाई दे रहा है कि अगर हिना साहब आ गई और ओसामा साहब मेहनत कर दिए और कुछ लीडर मेहनत कर देंगे तो एक बड़ा वोट परसेंटेज दूसरी तरफ जाएगा, तो फिर कहानी बिहार का बिल्कुल अलग होगा। जी, आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जो थे वो आरजेडी के साथ शुरू से लेकर के और अंत तक बने रहे, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि उनका परिवार जो है किसी दूसरे दल में जाएगा? देखिए, अभी तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, लेकिन राजनीति में जो है हर चीज़ संभव है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोगों को हमने देखा है कि जब उनको कहीं पे भाव नहीं मिला तो इधर से उधर गए हैं। रहा शहाबुद्दीन साहब की बात, देखिए उन्होंने तो इस दल में मरना और जीना दोनों सीखा था, कि जिंदा भी जब हुए थे तो इसी दल से,
और देखिए इसी दल में रह करके इस दुनिया से भी चले गए, लेकिन पार्टी को नहीं छोड़ा। तो उनकी बात क्या करना है, उनकी बात करना मतलब कहीं से भी मुनासिब नहीं है। वो राजद के लिए एक बहुत ही मजबूत पिलर थे, और अब तो देखना है राजद परिवार को उस पिलर को संभाल के कैसे रखेगा। जी, अभी परसों की बात है, जमा खान साहब गए थे जो बिहार के मंत्री हैं, और उन्होंने कुछ लोगों को वहाँ पे हटा करके ओसामा साहब से कान में बातचीत की, उसका वीडियो हम लोगों के पास भी आया हुआ है। आपको क्या लग रहा है, जेडीयू के मंत्री हैं जमा खान साहब, नीतीश कुमार के भी काफ़ी चहेते माने जाते हैं माइनॉरिटी समाज में, क्या लग रहा है कि कुछ जमा खान साहब कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ नीतीश जी की बातों को ओसामा साहब के कानों तक पहुँचा रहे होंगे, कुछ बातें हो रही होंगी, गुफ्तगू कुछ उस तरीके से, कुछ सीक्रेट बातें होंगी जो कि राजनीति की बातें हो सकती है? देखिए, अगर कोई भी अकेले में बात करता है तो सीक्रेट बात तो कुछ होती है, लेकिन अभी हम ये तो कह नहीं सकते हैं जब तक कि उन लोगों की ज़बान से ना सुने, क्योंकि अभी तक तो पूरा बिहार ये इंतज़ार में है कि हिना साहब का फ्रेश हो। पहले तो इज्जत पे थी, अब इज्जत भी पूरा होने ही वाला है मेरे ख्याल से, या हो गया होगा। अब इज्जत के बाद वो कहती क्या है, उसके बाद ही यहाँ पे सियासत में कुछ ना कुछ फिर बदल होगा। तो अभी तक तो हिना साहब ने कुछ कहा नहीं है, सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं पहले हिना साहब कुछ कहें, क्या वो राजद में रहेंगे या किसी और पार्टी में जाएंगे या कुछ और उनका अपना प्लान है, ये तो उनके बोलने के बाद ही मालूम होगा। आपको व्यक्तिगत तौर पे आपसे जानना चाहेंगे क्या करना चाहिए हिना साहब को, क्या आरजेडी में ही बने रहना चाहिए, या फिर जैसे कि AIMIM के भी लोग पहुँचे हुए थे यहाँ पे आपको प्रतापपुर में मिलने के लिए, जेडीयू के अली अशरफ फातमी जी भी पहुँचे हुए थे, और भी जेडीयू के कई MLC भी पहुँचे हुए थे, तमाम दल के, चाहे आपको उत्तर प्रदेश की बात कर लें, मुख्तार अंसारी के भाई भी अब्बास जी पहुँचे हुए थे, तो तमाम लोगों का आना जाना सब कुछ ही है। तो क्या माना जाए कि ऐसा तो नहीं कि कुछ तैयारी कुछ अंदर ही अंदर चल रही है, कुछ बड़ी पार्टी बनाने की तैयारी या फिर कुछ और तैयारी चल रही है, क्योंकि अब आपके एकदम सामने ही उत्तर प्रदेश का भी चुनाव है? देखिए, जहाँ पे आदमी को वैल्यू ना मिले और किसी को मतलब अंधकार में रखा जाए, तो बेहतर है कि कुछ नया फैसला ले, क्योंकि पब्लिक भी उब चुकी है। बहुत दिन हो गया, 90 से लेके अभी तक कहीं ना कहीं राजद को ही माइनॉरिटी समाज वोट दिया है, और जो हालात शहाबुद्दीन साहब के साथ हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं माइनॉरिटी समाज सोचने पे मजबूर है कि कुछ तो हमें फैसला लेना चाहिए। तो अब ये तो हिना साहब को सोचना है, क्योंकि उनको मतलब नेता जो है ख़ास करके सारण प्रमंडल में लोग उनको नेता मानते हैं, उनका इंतज़ार है वो क्या कहती हैं, उसके बाद ही जो है लोग अपना अपना सोच उनके सामने भी रखेंगे। आप लोग गए हुए थे ओसामा साहब से, कुछ बातचीत हुई होगी, क्या कुछ राजनीति से जुड़ी कुछ बातें हुई? देखिए, राजनीति की बात इसलिए अभी नहीं किया जा रहा है उस परिवार से कि कहीं ना कहीं वो परिवार टूटा हुआ है, तो कम से कम इज्जत से निकलने के बाद अगर उन लोगों का कुछ अपना सोच होता है, अगर वो बेहतर सोच होगा, तो हमें उम्मीद है कि पूरे बिहार के लोग उनके साथ होंगे, ये नहीं कि माइनॉरिटी के ही लोग होंगे, उनके साथ में हर समाज के लोग होंगे। एक सवाल और है कुनैन जी, कि एक तरफ अब ओसामा साहब तो है ही, दूसरी तरफ रईस खान की भी एंट्री हो रही है, और रईस खान से हम लोग कई बार बातचीत भी किए, रईस खान का कहना था कि बहुत जल्द हम लोग JDU की सदस्यता ले लेंगे, ज्वाइन भी कर लेंगे, हालांकि अभी तक किए नहीं, इसी महीने में करने की बात थी, और लगातार देखा जाता है कि जो श्याम बहादुर सिंह है चर्चित जो पूर्व विधायक, वो उनके साथ घूमते हैं, तो इससे क्या माना जाए कि राजनीति किस करवट लेगी सिवान की, खास करके आपको बात कर रहे। तो देखिए, सभी लोग इस इंतज़ार में हैं कि मैडम का क्या डिसीजन है, क्योंकि जो भी उनके साथ हुआ तो पूरे बिहार की जो आवाम है कहीं ना कहीं उनके साथ है, सिंपैथी उनके साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फैसले के ऊपर अभी तक जो है लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि मैडम का फैसला क्या होता है। उसी तरह से रहा सवाल रईस खान साहब, देखिए हर पार्टी चाहती है कि कुछ चर्चित लोग हमसे जुड़ें, तो रईस खान साहब भी चर्चित हैं, ऐसी बात नहीं है, और अभी फाइनली अगर JDU में नहीं जुड़े हैं तो उनका भी अपना कुछ प्लान होगा, और उसी प्लानिंग के तहत वो काम कर रहे हैं। हाँ, इतना हमें उम्मीद है कि वो MLC का चुनाव लड़ेंगे। MLC का चुनाव लड़ेंगे क्योंकि हालात बतलाता है,
कि एमएलसी का चुनाव लड़ेंगे। अब किस पार्टी से लड़ेंगे जब वो ज्वाइन कर लेंगे जदयू, तो इसका मतलब है कि जदयू से लड़ेंगे, क्योंकि अभी तो उन्होंने ज्वाइन किया नहीं है। तो ये सब बर्बली बातें हैं, उसका इंतज़ार हो रहा है। अच्छा चलिए एक अंतिम सवाल आपसे कि अगर आने वाले वक्त में हिना साहब या उसामा साहब ये लोग अगर आरजेडी को अगर छोड़ देते हैं या फिर मन बनाते हैं, हालांकि ये तो जब उनका बयान आएगा तभी क्लियर होगा, उस समय आरजेडी की स्थिति क्या हो सकती है? देखिए छोड़ देने के बाद में आपको पहला चीज़ जो सारण प्रमंडल है ये तो बुरी तरह प्रभावित होगा आरजेडी के लिए, और इसी का असर आपको खास करके पूर्वोत्तर इलाके में इसका असर होगा, सीमांचल में भी इसका असर होगा। अच्छा या एम जो है ना, देखिए एक एक ऐसा शख्सियत शहाबुद्दीन जो नाम लिया, एक ऐसा शख्सियत कि एआईएम का कोई वजूद नहीं है उनके सामने। उनके नाम पे बिहार में अगर वो 5 सीट समझिए कि एआईएम लेके आई है, तो अगर ये लोग मेहनत करें तो 5-10 सीट मानी नहीं रखता है। शहाबुद्दीन के ना आगे ओवैसी की कोई वैल्यू नहीं है? बिल्कुल नहीं, कोई वैल्यू नहीं है, ये सच्चाई है, कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे क्या है कि सीमांचल में देखिए उन्होंने मेहनत किया 10 साल, ठीक है, 10 साल मेहनत किया, और वहाँ पे टिकट का बंटवारा राजद ने गलत किया। अगर राजद सही बंटवारा कर दिया होता तो एआईएम नहीं निकलता, ये सच्चाई है। चलिए आपने देखा कि कुनैन अहमद जी से बातचीत हो रही थी हिना साहब और उसामा साहब को लेकर के। हिना साहब की फ़िलहाल स्वास्थ्य ठीक हो चुकी है, अपने घर वो प्रतापपुर लौट चुकी हैं, लेकिन लोगों की अभी निगाहें टिकी हुई है कि आने वाले वक्त में हिना साहब और उसामा साहब मिल करके कि इस जो बिहार की जो राजनीति है इसे किस तरफ ले जाएंगे, क्या आरजेडी में बने रहेंगे या कुछ और नया होगा। हालांकि लगातार लोगों से जब बातचीत होती है तो लोग यही कहते हैं कि अगर आरजेडी ये लोग छोड़ दें तो फिर राजद के लिए थोड़ा सा खतरा साबित हो सकता है। अब आगे देखना होगा कि हिना साहब जब इद्दत का समय समाप्त होता है तो मीडिया के सामने आने के बाद उनका जो बयान आएगा वही उचित और सही माना जाएगा, उसके बाद ही यह देखा जा सकता है या फिर कहा जा सकता है कि बिहार की जो सियासत है कुछ और रंग लाने वाली है। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें, संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने सिवान। अभिषेक गैस चूल्हा रिपेयरिंग होम सर्विस सिवान में पहली बार फोन करके घर पर गैस चूल्हा रिपेयर करवाएं एवं साथ ही 60 दिन का वारंटी पाएं, एक बार सेवा का मौका। तंत्र मंत्र के बादशाह भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। पहले तो मेरा व्यापार ठीक ठाक चल रहा था, मगर पिछले 1 साल से इतना घाटा लगा, मेरा मकान दुकान फैक्ट्री सब बिकने की नौबत आ गई। तब मैं बाबा जी से मिला, चमत्कार ही कहूँगा, 2 महीने के अंदर काया पलट हो गई और आज मेरा व्यापार पहले से बहुत बेहतर है। मेरा अफेयर एक लड़के के साथ था जो मेरे ऑफिस में ही था। हम शादी करना चाहते थे पर उनके घर वाले मान नहीं रहे थे। मैं बाबा जी की शरण में आई, 1 महीने में ही उनके घर वाले मान भी गए और हमारी शादी भी हो गई। सभी समस्याओं का समाधान गुरु